वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोगों का सेकंड लेक्चर है लाइम के ऊपर। आज हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो फैट लाइम क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है और पुअर लाइम क्या होता है। उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी स्टडी किया था, यू नो, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट था कैल्सिनेशन था, हाइड्रोलिसिटी था और थर्ड वन था सेटिंग। इन सब को समझने की हमने कोशिश की थी, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ, कैल्सिनेशन का मीनिंग होता है कि जो हमारे पास क्या है लाइम है उसको हमने क्या करना है, हॉट करना होता है, मींस उसको हमने हीट प्रोवाइड करना है। और तब तक हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं जब तक वो रेडनेस नहीं हो जाता है, मतलब लाल जैसा नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग उसको हीट करते हैं। और जो हमारे पास फैट लाइम था वो हमको कहाँ से मिलता है, वो हमको लाइम स्टोन से मिलता है, लाइम स्टोन से मिलता है, जिसको हम लोग कार्बोनेट ऑफ क्या बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं, CaCO3 से हमको क्या मिलता है, क्विक लाइम मिल रहा होता है। जब आप क्विक लाइम को क्या करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो लाइम मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, यस और नो, उसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं या फिर आप हाइड्रेटेड लाइम भी बोलते हैं। तो ये तो था हमारे पास पहले, उस पर फिर जो हमारे पास था हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम आपको कहाँ से मिलता है, हाइड्रोलिक लाइम इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम कंकर, यस और नो, इसको हम लोग कहाँ से लेते हैं, कंकर से लेकर मिलता है हमारे को। सेम प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस हम लोग किसमें करते हैं, फैट लाइम में करते हैं, सेम प्रोसेस हम लोग किसमें करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम में भी करते हैं। हम लोगों ने देखा था जो हाइड्रोलिक लाइम है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ हम लोग जनरली लाइम मोटर में करते हैं। हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, और इसका जो कलर होता है वो प्योर वाइट कलर नहीं होता है जैसा कि किसका होता है, फैट लाइम का होता है। अगर आप बात करते हैं फैट लाइम का, फैट लाइम का हम लोग जनरली किस में यूज़ करते हैं, प्लास्टर वर्क में करते हैं, वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं, और जहाँ पे स्ट्रेंथ क्या नहीं होती है, रिक्वायर्ड नहीं होती है, वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फैट लाइम का यूज़ करते हैं। एक पॉइंट और आपने याद रखना है माय डियर, जब आप क्या करते हैं फैट लाइम को में जब वाटर को ऐड करते हैं तो वो अपने वॉल्यूम को 2 to 2.5 टाइम्स क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ये डाटा आपने याद रखना है, अगर एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो फैट लाइम है जब आप उसमें वाटर को ऐड करते हैं तो वो कितने टाइम से अपने वॉल्यूम को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, वो 2 to 2.5 टाइम्स इंक्रीज़ करता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जब लाइम में वाटर को ऐड करते हैं तो उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है या रिमेन कॉन्स्टेंट इन नन ऑफ दीज। तो आपने ध्यान रखना है उसमें जो वाटर ऐड करने से वो उसका वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ये तो था फैट लाइम में 2 to 2.5 टाइम्स, बट अगर आप हाइड्रोलिक लाइम के केस में देखेंगे तो वहाँ पे स्लाइटली क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ओके, ओके, वहाँ पे क्या करता है, स्लाइटली इंक्रीज़ करता है, करता दोनों में लाइम क्या है, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है। फिर हम लोगों ने देखा था जो हाइड्रोलिक लाइम है वो हमारे पास कितने टाइप्स का था, 3 टाइप्स का था, जिसमें हम लोगों ने फेवली हाइड्रोलिक लाइम था, मॉडरेटरी हाइड्रोलिक लाइम था और एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम था। ये सब जो थे ये किसके बेसिस पे थे, ये परसेंटेज ऑफ क्ले या फिर परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी के बेसिस पे हमने हाइड्रोलिक लाइम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। और हमने वहाँ पे थोड़ा समझने की भी कोशिश की थी कि किसको कितना सेटिंग में टाइम लगता है और किस में कितना परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो ऐसा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक कोड है, कोड का नाम है IS 712-1984 712-1984 के बेसिस पे हमने लाइम को 6 कैटेगरीज़ में या फिर 6 क्लासेस में उसको क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो उस 6 क्लासेस में हमारे पास है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ। अब आप कहेंगे क्या सर हमको ये याद रखना पड़ेगा, यस, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो फैट लाइम है वो किस क्लास में आता है एज़ पर BIS 712-1984 के अकॉर्डिंग। तो आपको पता होना चाहिए जो फैट लाइम है वो क्लास सी में आता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे सभी को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेम ऑफ लाइम, यहाँ पे क्या है, पर्पस। तो ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए किस लाइम को यूज़ किया जाता है जनरली। तो वो हमारे पास कौन सा होता है, एमिनेंटली लाइम जो होता है, एमिनेंटली लाइम जो होता है उसको हम लोग जनरली स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जनरली। दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनता है, लाइम मोटर में जनरली कौन सा लाइम यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर हाइड्रोलाइम यूज़ किया जाता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्लास ए, इसमें है
एमिनेंटली लाइम है यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस। इसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है लाइम सैंड मोटार का, यस और नो? मोटार, मोटार क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल प्लस सैंड प्लस क्या होता है? वाटर होता है। बट अगर आप बात कंक्रीट की करेंगे तो वो क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर प्लस क्या होता है? एड मिक्सचर्स होता है। बाइंडिंग मटेरियल क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास दो तरीके का मोटार होता है, दो ही तरीके का कॉन्क्रीट होता है, जैसे कि लाइम मोटार। तो यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल कौन है? लाइम है। अगर आप बात करते हैं सीमेंट मोटार की, तो यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल कौन है? सीमेंट है। तो ये दोनों किसका काम करते हैं? बाइंडिंग मटेरियल का काम करते हैं। और कंक्रीट में लाइम कंक्रीट एंड सीमेंट कंक्रीट, तो वहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट है, लाइम में लाइम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसको देखना है। तो ये हमारे पास है एमिनेंट लाइम यूज फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है। लाइम सैंड मोटर इज 1.75 एंड 2.80 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 14 डेज एंड 20 डेज पे। अगर आप लाइम सैंड मोटर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखते हैं तो वो कितना होता है? 1.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, और 20 डेज पे कितना होता है? 2.80 होता है। अगर आप किसकी बात करते हैं, क्लास बी की बात करते हैं, तो ये होता है हमारे पास सेमी हाइड्रोलिक लाइम। कौन सा लाइम होता है? ये होता है सेमी हाइड्रोलिक लाइम। एक और चीज़ ध्यान देना प्लीज़, मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको, एन एच एल इसको 5 के नाम से भी जानते हैं। एन एच एल 5 मीन्स नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम, 5 के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ओके, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सेमी हाइड्रोलिक लाइम। सेमी हाइड्रोलिक लाइम भी क्या होता है? हाइड्रोलिक लाइम जैसा ही होता है, ठीक है। तो यूज फॉर मोटर फॉर मैसनरी वर्क, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लाइम एंड मोटर एट द एंड ऑफ 14 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली 1.25 एंड 1.75। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है? हाई होती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उससे भी क्या होती है? लो होती है। ओके, जो हमारे पास क्या है? क्लास सी। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? फैट लाइम, रिच लाइम, या फिर क्या होता है? मोर सिलिका ऑक्साइड लाइम, या फिर हम लोग क्या होते हैं इसको? रिच लाइम, ठीक है। इसका मेन वर्किंग क्या होता है? फिनिशिंग और प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग के वर्किंग में हम लोग क्या करते हैं? फैट लाइम का यूज़ करते हैं, वाइट वाशिंग में यूज़ करते हैं, एंड वेयर स्ट्रेंथ इज़ नॉट रिक्वायर्ड वहाँ पे भी हम लोग किसका यूज़ कर रहे होते हैं? फैट लाइम का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्लास डी। क्लास डी में आता है मैग्नीशियम और डोलोमाइट। तो ये हमारे ESE 2020 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से समझिए इसको। ESE 2020 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन आया था कि हम लोग किस सीमेंट को फिनिशिंग, कोटिंग, प्लास्टिंग एंड वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे फैट लाइम नहीं था, वहाँ पे मैग्नीशियम और डोलोमाइट। वहाँ पे क्या था? डोलोमाइट हमारे को एग्ज़ाम में ऑप्शन था, तो हम लोग किस ऑप्शन पे गए थे? उसमें हम लोग डोलोमाइट पे गए थे। अब डोलोमाइट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो थोड़ा सा आपने याद रखना है, CaCO3.MgCO3 होता है, या फिर दूसरा आप इसको कैसे लिख सकते हैं? CaMgCO3 का होल ट्वाइस, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैल्साइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कैल्साइट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है केमिकल फॉर्मूला जो होता है, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान देना है, मैग्नीशियम और डोलोमाइट का जो होता है, ये डोलोमाइट जो है, ठीक है ना, इसमें जब मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट में जब क्या होता है, एक सर्टेन प्रोपोर्शन में जब मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐड हो जाता है तो उससे बनने वाला जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोलोमाइट बोल रहे होते हैं। ओके, फिनिशिंग कोट एंड प्लास्टिंग एंड वाइट वॉशिंग में यूज होता है। नेक्स्ट है क्लास ई। ध्यान से सुनिए, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? एज पर 712-1984 लाइम को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? क्लास ई के अकॉर्डिंग कंकर लाइम। अब आपको पता है कंकर से हमको कौन सा लाइम मिल रहा होता है? हाइड्रोलिक लाइम मिलता है, यस और नो? हाइड्रोलिक लाइम इज ऑप्टेंड फ्रॉम कंकर, ओके। और इसका यूज क्या था? यूज फॉर मैसनरी मोटर। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि मैसनरी मोटर में किस लाइम का यूज़ किया जाता है। मैसनरी मोटर में जनरली हम लोग हाइड्रोलिक लाइम का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। दूसरा हाइड्रोलिक लाइम को वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे स्ट्रेंथ की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है क्लास एफ। इसमें कौन सा है? सिलिशियस डोलोमाइट है, यूज फॉर अंडर कोट एंड फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपने इसको इसमें इस वर्ड को याद रखना, अंडर कोट के केस में। तो इस तरीके से आपने इनको थोड़ा सा याद रखना है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ, ओके। तो क्लास ए कौन सा है? एमिनेंटली लाइम है। क्लास बी कौन सा है? हमारे पास सेमी हाइड्रोलिक लाइम है। क्लास सी हमारे पास कौन सा है? फैट लाइम है। क्लास डी हमारे पास कौन सा है? डोलोमाइट लाइम है। क्लास ई हमारे पास कौन सा है? कंकर लाइम है। और क्लास
जो ई है वो हमारे पास कौन सा है, सिलिशियस लाइम है। ओके, इस तरीके से हमने इन चीज़ों को ध्यान रखना है। प्लीज़ इस कोड को आपने याद रखना, अगर एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि लाइम के लिए हम लोग किस कोड को स्टडी करते हैं या फिर किस कोड के बेसिस पे लाइम को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, 7121984 अंडर 6 कैटेगरीज। ओके, तो ये आपको यहाँ पे इतना याद रखना है, जितने भी ESC में या फिर आपके SDO में या JEE में जो भी क्वेश्चंस इससे बने थे उसको मैंने आपको बता दिया है। अभी जो इसको आपने ध्यान रखना है, NHL नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम 5 होता है। अगर आप फेवली हाइड्रोलिक लाइम की बात करेंगे तो वो NHL 2 होता है। अगर आप मॉडरेटरी हाइड्रोलिक लाइम की बात करेंगे तो वो NHL 3.5 होता है। ओके, मैं आपको और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूंगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट लाइम। देखिए सेम प्रोसेस होता है हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोलिक लाइम, सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के जो सोर्सेज हैं, जो ओरिजिन्स हैं, वो डिफरेंट होते हैं जिससे ये बन रहे होते हैं। ठीक है ना, जो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ फैट लाइम में हम लोग लाइम स्टोन का यूज़ करते हैं। अगर आप हाइड्रोलिक लाइम की बात करेंगे तो वो हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है, कंकर से होता है। बट प्रोसेस दोनों का क्या होता है, सेम होता है, सेम स्टेप्स को हमने क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। अगर आपके यही SSC मेंस में या फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप सेम प्रोसेस को, सेम ऑपरेटर्स जो ऑपरेटर्स हैं, आप उनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 3 डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ द फैट लाइम। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्या है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ द लाइम स्टोन। सबसे पहले हमने ऐसा साइट देखना है जहाँ से हमको क्या मिल सके, लाइम स्टोन मिल सके। माई डियर, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि फैट लाइम के लिए जो लाइम स्टोन होना चाहिए वो किसके, वो कैसा होना चाहिए, जिसमें इम्प्योरिटीज़ क्या होनी चाहिए, लेस देन 5% होनी चाहिए। क्या इम्प्योरिटीज़, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्ले जो कंटेंट है या फिर फेरस ऑक्साइड है। ठीक है ना, फेरस ऑक्साइड मतलब आयरन है, मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 5%। ऐसे लाइम स्टोन को हमने किसके लिए यूज़ करना है, फैट लाइम के लिए हमने क्या करना है, यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमको ऐसा साइट सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे लाइम स्टोन हो जिसमें इम्प्योरिटीज़ क्या हो, लेस देन 5% हो। उस लाइम स्टोन को हमने क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है। सेकेंड है कैल्सिनेशन ऑफ द लाइम स्टोन। यू नो कैल्सिनेशन का मीन्स क्या होता है, उसको हीट प्रोवाइड करना या उसको हॉट करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैल्सिनेशन में, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे जो CaCO3 था, जब हमने उसको 880 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हॉट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता था, CaO प्लस CO2 हमारे को मिल रहा था। CaO का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान से समझना प्लीज़। ये कभी कभी फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम स्टोन, तो क्या फॉर्मूला है, CaCO3। ओके, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, एंड ये क्या है हमारे पास, CaO, ये है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, जो एसिडिटी होती है उसके पीछे मेन रीजन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ऐसा ना। दूसरा, ये CaO एटमोसफेयर में अवेलेबल नहीं होता है बिकॉज मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में या फिर मतलब एक्चुअल में ये अवेलेबल नहीं होता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये होता है कि जो CaO है वो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके फिर से वापस ये क्या बना लेता है, लाइम स्टोन बना लेता है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो कैल्सिनेशन करते हैं, अब कैल्सिनेशन करने के लिए हमको क्या करना है, इसको हीट करना है। हीट आप कहाँ से करेंगे, हीट आप कहाँ से करेंगे बोलिए, हीट करने के लिए आपको क्या चाहिए, भट्टी चाहिए, क्लैंप चाहिए, यस और नो। तो हम लोग इसको देखेंगे, हमारे पास क्लैंप भी है और किल्न्स भी है, और यहाँ पे किल्न्स भी जो होती है हमारे पास वो 3 तरीके की होती हैं, जैसा हमने ब्रिक में पढ़ा था सेम एज वेल एज यहाँ पे भी है। फर्स्ट वन इज़ द इंटरमीटेंट किल्न, सेकंड वन इज़ द कंटिन्यूस किल्न, थर्ड वन इज़ द रोटरी किल्न होता है। ओके, रोटरी किल्न में जो साफ्ट किल्न होता है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और जनरली उसका यूज़ किया जाता है। उसमें सर्कुलर भी है और साफ्ट किल्न भी है, बट जनरली हम लोग साफ्ट किल्न का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्लेकिंग ऑफ द बर्न्ट लाइम। स्लेकिंग का मतलब समझ रहे हैं, स्लेकिंग
या हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जो लाइम आपको किल्न से मिल रहा होता है आप उसमें क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे को क्या बोलाता है, स्लेकिंग ऑफ बर्न्ड लाइम कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कैल्सिनेशन ऑफ द लाइम स्टोन, हीटिंग द मटेरियल एट रेड हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टिल द डिकम्पोज, जब तक वो क्या नहीं कर जाता है, डिकम्पोज नहीं कर जाता है तब तक हम लोग उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। नेक्स्ट है, बर्निंग ऑफ द लाइम स्टोन इज कैरिड आउट आइदर इन क्लैम्प्स और केन्स, हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, अगर हम लोग क्या करते हैं स्मॉल लेवल पे करते हैं और हमारे को बहुत हाई मतलब क्वालिटी का नहीं चाहिए तो उस केस में हम लोग जनरली क्लैम्प का यूज़ करते हैं, अदरवाइज आपको अगर हाई क्वालिटी मटेरियल चाहिए तो हम लोग किल्न्स का करते हैं। रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर को कंट्रोल या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कवरअप कर सकते हैं। बट जो क्लैम्प होता है वो ओपन ग्राउंडेड होता है, ओपन ओपन होता है तो उसमें हम लोग किसी भी कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट्स वाई हमारे को वहाँ पे एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मींस लाइम हमको अवेलेबल नहीं हो पाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें हमारे पास क्या है, बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन फॉर फैट लाइम्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लैम्प बर्निंग, सेकंड वन इज द क्या, हमारे पास किल्न बर्निंग। तो क्लैम्प बर्निंग हमारे पास लोकल लेवल पे होता है और जो किल्न बर्निंग है ये भी हमारे पास कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का है, फर्स्ट वन इज द मिक्स्ड फीड और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम टाइप बोलते हैं, सेकेंड वन इज द सेपरेट फीड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेयर टाइप बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिक्स फीड का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट लेयर्स में किसको रखते हैं, यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट लेयर्स में किसको रखते हैं, फ्यूल और लाइम स्टोन को रखते हैं अल्टरनेट लेयर में, मतलब फर्स्ट लेयर फ्यूल का, सेकंड लेयर लाइम स्टोन का, थर्ड लेयर फ्यूल का, फोर्थ लेयर लाइम स्टोन का, अल्टरनेट लेयर। और यहाँ पे जो फ्यूल्स रखा जाता है वो वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली बोथ डायरेक्शंस में हम लोग क्या रखते हैं, फ्यूल को रखते हैं। ये तो होता है हमारे पास मिक्स्ड फीड, फ्लेम टाइप होता है। सेकंड वन इज द सेपरेट फीड, सेपरेट फीड का मीनिंग होता है कि लाइम स्टोन के लिए अलग चैम्बर होता है और जो फ्यूल होता है उसके लिए अलग चैम्बर होता है, और जो फ्यूल होता है उसको इस तरीके से सेट किया जाता है कि उसमें से क्या होती है, हॉट एयर क्या करती है उस लाइम स्टोन में से पास कर रही होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, रेड होता है, रेड होने के बाद में वो क्या करता है, उसको बनाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास क्या था, मिक्स्ड फीड, फ्लेम टाइप और सेपरेट फीड, यहाँ पे दोनों का क्या होता है, मिक्सिंग होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, सेपरेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन, तो सेम वही, इसमें क्या हमारे पास क्लैम्प बर्निंग, आप समझ सकते हैं क्लैम्प, मैंने आपको ब्रिक्स में भी समझाया था। नेक्स्ट है हमारे पास किल्न बर्निंग, किल्न बर्निंग में क्या है, बैच टाइप और इंटरमीडिएट किल्न। अब दोनों, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस किल्न, थर्ड नंबर पे क्या है हमारे पास, रोटरी किल्न। तो आपको तीनों चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, बैच टाइप और इंटरमीडिएट किल्न, कंटिन्यूस किल्न, रोटरी किल्न। कंटिन्यूस में और इसमें क्या डिफरेंस होता है, जिसमें आपको प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर मिलता है उसको हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। एक एंड से क्या होता है, रॉ मटेरियल जाता है, दूसरे एंड से हमारे क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। इंटरमीडिएट किल्न में क्या होता है कि जो इसका कवर होता है, रूफ जो होता है, वो मे एंड मे नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसको समझना है कि यहाँ से हम लोग थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्ट को ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसको हम लोग तभी करेंगे जब हमारे को क्या होती है, ज़रूरत होती है। बट इसमें क्या होता है, हमारे को कंटिन्यूसली क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ये एक इसमें क्या होता है, मेजर डिफरेंस होता है, मिक्स्ड फीड फ्लेम टाइप और इंटरमीडिएट किल्न होता है, ठीक है ना, सेपरेट फीड या फ्लेम टाइप इंटरमीडिएट किल्न होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक फिगर के थ्रू बताना चाह रहा हूँ, तो जैसे ये हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल है और यहाँ पे इस तरीके की हमारे पास क्या, देखिए इस तरीके की लेयर्स हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना प्लीज़, ठीक है, इस तरीके का है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्यूल है, फ्यूल है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लाइम स्टोन, फ्यूल, फ्यूल, यहाँ पे क्या है, लाइम स्टोन, फ्यूल। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास फ्यूल होता है, इसमें क्या हमारे पास, फ्यूल। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके का होता है, ये होता है अल्टरनेट लेयर्स में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फीड, फ्लेम टाइप इंटरमीडिएट किल्न बोलते हैं। सेपरेटेड फीड का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे इस तरीके का होगा, ये यहाँ पे वॉल्स होती हैं, ठीक है ना, वॉल है यहाँ पे इस तरीके का, और यहाँ पे इस तरीके का टापू टाइप में होता है।
इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फीड या फ्लेम टाइप। जबकि सेपरेट फीड का भी अगर हम लोग थोड़ा सा पिक देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे ये आपके पास क्या है, ये फ्यूल है, ठीक है, इस तरीके का फ्यूल है यहाँ पे पूरा इस तरीके का, देखिए। और यहाँ पे हमने पूरा क्या रखा हुआ है, यहाँ पे हमने लाइम स्टोन को रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, रखा हुआ है लाइम स्टोन को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हीट करते हैं, हीट करने के बाद में क्या होता है कि जो यहाँ पे फ्यूल है, क्या है ये फ्यूल, फ्यूल, और ये हमारे पास क्या है, लाइम स्टोन, ओके, क्या है हमारे पास लाइम स्टोन। इस तरीके का होता है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्या होता है, हमारे पास एक टेम्पररी आर्च होता है, क्या होता है ये, एक टेम्पररी आर्च है, क्या हमारे पास एक ये टेम्पररी आर्च होता है इस तरीके का। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो यहाँ पे जितना भी है ये सब क्या है, फ्यूल है, फ्यूल है, ओके, ये क्या है, वॉल, इस तरीके का हमारे पास कुछ होता है। तो यहाँ पे ये सेपरेटेड टाइप है, फ्यूल अलग है, लाइमस्टोन अलग है, जबकि यहाँ पे फ्यूल एंड लाइमस्टोन किस में होता है, अल्टरनेट लेयर्स में होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है। अच्छा, यहाँ पे जो बैच टाइप और इंटरमीडिएट किल में, इसमें परमानेंट रूप नहीं होता है, ओके ना, परमानेंट रूप नहीं होगा। तो आपको पता है मानसून सीजन में हम लोग यहाँ से क्या नहीं कर सकते हैं, लाइम को ऑब्टेंड नहीं कर सकते, ओके। कंटिन्यूस किल, रोटरी किल, कंटिन्यूस किल में क्या होता है, उसमें परमानेंट रूप होता है, हमको जब चाहे हम लोग तब क्या कर सकते हैं, वहाँ से लाइम को बना सकते हैं। वैसे कंटिन्यूसली क्या हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्लेकिंग ऑफ द बर्नड लाइम। पहला हमारे पास क्या था, कलेक्शन ऑफ द लाइम स्टोन, सेकेंड वन इज द क्या था, बर्निंग ऑफ द लाइम स्टोन, थर्ड वन इज क्या है, स्लेकिंग ऑफ द लाइम स्टोन। तो यहाँ पे द क्विक लाइम विच इज ऑप्टेन बाय बर्निंग ऑफ द लाइम स्टोन, यस और नो, CaCO3 को आप क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो CaO प्लस CO2 आपको मिल रहा है। व्हाट इज दिस, दिस इज क्विक लाइम, ओके, क्विक लाइम विच इज ऑप्टेन बाय बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन स्लेक्स वेन एक्सपोज टू द एटमोसफेयर। तो मेथड्स ऑफ द स्लेकिंग, तो देखिए हमारे पास क्या होता है, एक होता है मतलब नेचुरल स्लेकिंग। नेचुरल स्लेकिंग का मतलब क्या है कि जो आपको बर्निंग के बाद जो मतलब क्विक लाइम आपको मिला है उसको आप क्या कर दीजिए, एक्सपोज कर दीजिए वेदर में, मींस वेदर से वो वाटर को या मॉइस्चर को क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके का जो स्लेकिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल स्लेकिंग बोलते हैं और एयर स्लेकिंग बोलते हैं। बट जब आप इसमें क्या होता है, प्रोसेस में टाइम लगता है, अगर आपको फास्ट चाहिए तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मेथड्स ऑफ स्लेकिंग में टू टाइप्स का होता है, स्लेकिंग टू पेस्ट एंड स्लेकिंग टू पाउडर। स्लेकिंग टू पेस्ट का काम क्या होता है, स्लेकिंग टू पेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास CaO है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से पहले स्प्रेड कर लेते हैं पूरे, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, उसको स्प्रेड कर लिया एक प्लेन ग्राउंड में, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे वुड या वुड होगा या फिर अनदर कोई भी मटेरियल रहता है जिसके ऊपर हम लोग उसको करते हैं, डायरेक्ट ग्राउंड पे नहीं करते, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये कोई भी मतलब प्लेट टाइप है कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब आपने इस पर क्या करना होता है, वाटर को स्प्रेड करना होता है। अब हमने क्या करना है, इसमें वाटर को फिल करना है इस तरीके से। तो आपको पता है जो स्लेकिंग का मतलब क्या होता है, स्लेकिंग टू पेस्ट, स्लेकिंग का मतलब क्या होता है, वाटर का एडिशन करना, यस और नो, वाटर का क्या करना, एडिशन करना। तो आप क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, और वाटर को हमने एक मतलब तब ऐड नहीं करना है जब उसमें से जो टेम्परेचर वो क्या होने लगे, राइज होने लगे। टेम्परेचर के राइज होने के बाद हमने उसमें वाटर को ऐड नहीं करना है, हम वाटर के राइज होने से पहले ही, सॉरी टेम्परेचर के राइज होने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। तो इस तरीके से इसका क्या बन जाता है, एक पेस्ट बन जाता है, यस और नो। तो जो पेस्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेकिंग ऑफ पेस्ट बोलते हैं। सेकेंड वन होता है स्लेकिंग टू पाउडर। स्लेकिंग टू पाउडर का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग उसको फर्स्ट जो क्विक लाइम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेस में उसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, देन हम लोग उसमें क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। तो इस तरीके का होता है हमारे पास स्लेकिंग टू पाउडर, स्लेकिंग टू पेस्ट। तो सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे कितने प्रोसेस को यूज़ किया है, हमने यहाँ पे थ्री प्रोसेस को क्या किया है, यूज़ किया है, थ्री प्रोसेस है। थ्री प्रोसेस में हमारे पास कौन सा था, कलेक्शन, बर्निंग एंड स्लेकिंग। ये किसका हो रहा था, हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पे फैट लाइम मिल रहा है, सेम एज वेल एज आप किसके केस में कर सकते हैं, हाइड्रोलिक लाइम के केस में करते हैं। डिफरेंस क्या है,
डिफरेंस सिर्फ किसका सोर्स का है, यहाँ पे जो कलेक्शन करना होता है वो लाइमस्टोन का करना होता है, वहाँ पे जो कलेक्शन करना होता है वो कंकर का करना होता है। इट इज़ अ मेजर डिफरेंस। ओके, बाकी प्रोसेस दोनों में क्या होता है, सेम होता है। ओके, आई थिंक आपकी चीज़ समझ में आई होगी। ये एग्जाम्पल है हमारे पास क्लैम्प का, तो लाइम क्लैम्प का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या एक फायर प्लेस है, इसमें हमने जो यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे जो फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, चारकोल होता है, कोल होता है, यस नो, कोल डस्ट होता है, इन सब का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है, टॉप होल होता है, जिसमें से क्या होता है वो बाहर निकल रहा होता है, तो इस टाइप का है। तो ये हमारे पास क्या होता है, क्लैम्प होता है 4 मीटर हाइट का, ये लोकल लेवल पर होता है। सेकेंड वन इज़ द कंटिन्यूस फ्लेम किल्न, और ये कैसा होता है, पॉट टाइप का होता है, ठीक है ना, कैसा होता है, पॉट टाइप होता है कि इसके कैसा होता है, पॉट टाइप का होता है, कंटिन्यूस फ्लेम किल्न होता है, ठीक है। इस तरीके का ये भट्टी होती है, इसको कंटिन्यूस है, इसमें जो भी है जो हमने फ्यूल प्रोवाइड करना होता है वो फ्रॉम द टॉप करना होता है, फ्रॉम द टॉप, जबकि ऐसा उसमें नहीं था। जो हमारे पास इंटरमीडिएट किल्न्स थे उसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो भी हमारे को फ्यूल प्रोवाइड करना होता है फ्रॉम द टॉप होता है। और इसको हम लोग, जो ये जोन हमारे को दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बर्निंग जोन बोलते हैं। कौन सा जोन बोलते हैं, बर्निंग जोन, दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है बर्निंग जोन में, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका डायमीटर धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। सेंटर में इसका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस तरीके का इसका डिज़ाइन किया जाता है, आपको भी पता है कि कंटिन्यूस में जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, बिकॉज इसका एक स्ट्रक्चर थोड़ा डिज़ाइन से बनाया जाता है, पर्टिकुलर डिज़ाइन दी जाती है, जिसके कारण इसका कॉस्ट बढ़ता है। और ये भी एक एग्जांपल है हमारे पास, ये किसी कम फैक्ट्री का लिया हुआ है, जहाँ पे लाइमस्टोन क्या हो रहा है, बन रहा है। ओके, तो इस तरीके के हमारे पास चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये भी हमारे पास क्या है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास रोटरी किल्न का। किसका एग्जाम्पल है, ये रोटरी किल्न का है, ये रोटेट करती रहती है, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे ये है, ये इस तरीके से क्या कर रही है, धीरे 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 रोटेट कर रही है। एक तरफ से इसमें क्या होगा, हीट प्रोवाइड की जाएगी, और जो हीट है वो उस तरीके से यहाँ पे भी क्या हीट प्रोवाइड की जाती है, जब तक वो रेडनेस नहीं होता है। और यहाँ पे टेम्परेचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेन करते हैं। ओके, जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग जनरली किसका करते हैं, रोटेटरी किल्न का ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यूजेस ऑफ लाइम, लाइम का क्या यूज होता है, एज ए मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हम लोग इसको एज ए बाइंडिंग मटेरियल की तरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। पहले हम लोग लाइम मोटर, लाइम कंक्रीट का यूज़ करते थे, बट एट नाउ हम लोग इसका यूज़ करते हैं, सीमेंट मोटर एंड सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करते हैं। तो लाइक एज ए मोटर, ए प्लास्टर, ए वाइट वॉशिंग एंड एज ए लाइम कंक्रीट, हम लोग इसका क्या कर रहे थे, यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज़ द एज एन इंडस्ट्रियल मटेरियल, एज ए फ्लक्स इन मेटलर्जी इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। एज ए रॉ मटेरियल फॉर मैनुफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। एज ए रिफैक्ट्री मटेरियल फॉर लाइनिंग मेटलर्जिकल फर्नेस में हम लोग यूज़ करते हैं। एक और बात ध्यान देना कि जो यहाँ पे लाइनिंग की जाती है जिस ब्रिक का, वो ब्रिक कौन सा यूज़ किया जाता है, वो होता है हमारे पास रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, ऑब्लिक फायर ब्रिक के नाम से हम लोग उसको जान रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो लाइनिंग मटेरियल में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास इन एग्रीकल्चर फील्ड में, इट इज़ यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिव क्वालिटीज़ ऑफ सॉइल, एंड इट कैन आल्सो यूज फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्चुअल में ये सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है कि सॉइल स्टेबलाइजेशन में, किस टाइप की सॉइल स्टेबलाइजेशन में, ये मैं आपको, आपने इस क्वेश्चन को कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, कि किस टाइप की सॉइल के स्टेबलाइजेशन के लिए, क्ले के लिए, सैंड के लिए, ग्रेवल के लिए, किस टाइप की सॉइल के लिए हम लोग लाइम को एज ए किसके लिए यूज़ करते हैं, स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ये हमारे पास थे पॉइंट, इन पॉइंटों को आपने समझा होगा ध्यान से, इनको थोड़ी सी कोशिश करिए, ठीक है। अब मैं आपको एक रोटरी किल्न का थोड़ा सा चीज़ दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्या आएगा, समझ में आएगा। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक रोटरी किल्न है, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, जो हमारे पास रोटरी किल्न है, ये देखिए, ये जो रोटरी किल्न है, ये बहुत मतलब क्या कर रही है, बिल्कुल धीरे 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 क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, एक सेकंड देखिए यहाँ पे, कि ये रोटेट कर रही नहीं, यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो रोटरी किल्न होती है, ठीक है, ये क्या कर रही होती है, ये इस तरीके से क्या करती रहती है, धीरे 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 रोटेट करती रहती है, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या करना है, समझना ध्यान से।
और ये हमारे पास था रोटरी लाइम केल। प्लीज़ मेरा कहना आपसे ये है कि आप इन सब चीज़ों को यूट्यूब पे देखिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो हमको प्रैक्टिकली नॉलेज देती हैं, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कोई भी आप